Hey, what's up guys, welcome to my channel The Car Man. Next generation 2022 Mahindra Scorpio. इस कार को लाखों करोड़ों बार इंडियन रोड्स पर टेस्ट करते हुए देखा गया है, लेकिन महिंद्रा ने अभी तक इस कार की कोई भी टीजर या फिर कोई भी लॉन्च डेट वगैरह कुछ भी नहीं रिवील किया है। लेकिन गाइज, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी एक इमेज लाया हूँ जिसको देखने के बाद आप जरूर से समझ जाएंगे कि इस कार को कैसा दिखने वाली है। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये कार कैसा होने वाली है। तो गाइज यार, यही है वो इमेज जिसको आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप 2022 न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो लेते हैं व्हाइट कलर में, तो ये गाड़ी फ्रंट से कुछ इस तरीके का देखने होने वाली है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इस कार की फ्रंट में आपको पूरी न्यू लुक्स मिल जाता है। इस कार की फ्रंट में जो ग्रिल है उसको वर्टिकली ग्रिल दिया गया है, जिसके ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली क्रोम लाइंस देखने को मिलेगा। उसके ठीक मिडिल में आपको महिंद्रा के न्यू लोगो मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार की हेडलैम्प्स की ओर देखा जाए तो यहाँ पर आपको डुअल चैम्बर फुल एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एलईडी डीआरएल्स भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कार की फ्रंट बम्पर की ओर देखा जाए तो फ्रंट बम्पर में भी आपको सी शेप का एलईडी डीआरएल्स मिल जाएगा, जिसके साथ आपको एलईडी फॉग लैंप्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इस कार की साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो साइड प्रोफाइल की कोई भी इमेज अभी तक हमारे हाथ नहीं आया है, लेकिन एक इमेज आया है जिसको आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ होने वाला है इस कार का साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको कुछ न्यूली डिजाइन एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा महिंद्रा न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का जो लेंथ है उसको बढ़ा सकती है। इसके अलावा न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो का रियर प्रोफाइल का कोई भी उतना ज्यादा क्लियर इमेज हमारे हाथ नहीं आया है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इस 2022 न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का इंटीरियर का कुछ लीक इमेजेस देख लेते हैं। तो गाइस यार, इस कार की इंटीरियर का लीक इमेजेस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में। इसके अलावा इस कार के इंटीरियर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा इस कार में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सोनी का रूफ माउंटेड स्पीकर्स भी इस कार में आपको मिलेगा, XUV700 जैसा। इसके अलावा इस कार में आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो की थर्ड रो में आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये एक लीक इमेज है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो में मिलने वाला एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शंस की ओर देख लेते हैं। इस कार में आपको दो तरीके का इंजन ऑप्शन मिल सकता है। पहला है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। इसके अलावा ट्रांसमिशन की ओर देखा जाए तो न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार की बेस वेरिएंट्स में आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, जबकि टॉप डीजल वेरिएंट्स में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा प्राइसेस की ओर देखा जाए तो करंटली महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक्सरूम प्राइस है 12.59 लाख से 17.14 लाख, जबकि ये जो न्यू जनरेशन आने वाली है इसका प्राइस इससे भी थोड़ा ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू जनरेशन का जो टॉप वेरियंट्स होने वाला है उनका प्राइस 18 से 19 लाख तक एक्सरूम जाने वाला है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना। जय हिंद, जय भारत।